हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल रियल पंजाब टेस्ट। आज हम बनाएंगे पनीर चने की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है, ये मैंने घर पर ही बनाया है पनीर। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़े से यहाँ पर मैंने लिए हैं चने, ज़्यादा नहीं है, आधी कटोरी के करीब है। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है नमक डालकर। और इसको तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों की एक प्यूरी बना ली है। और ये मैंने ली है ग्रीन चिल्ली और टमाटर, दो टमाटर और तीन चार ग्रीन चिल्ली ली, जिसको मैंने इसकी भी अलग से एक प्यूरी बना ली है। और इसी से हम तड़का लगाएंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम एक छोले मसाला। और इसी चीज़ों से बनाएंगे, जो भी हमारे घर पर सिंपल मसाले होते हैं वही सब्ज़ी में ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने। सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ही आप ऑयल डालिएगा। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने जो पनीर लिया था वो सारा पनीर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम पनीर को हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है और थोड़ा सा चला करके हल्का सा ही हमें इसको फ्राई करना है। पनीर जो है वो देखिए फ्राई हो गया अच्छे से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने पनीर जो है वो निकाल लिया है और इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी एक पिंच के करीब हींग। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। और थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे। अच्छे से जीरे को चटकने देंगे। और अब हमने जो लहसुन और प्याज की जो प्यूरी बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसको भूनेंगे, नहीं तो इसमें कच्चेपन की जो स्मेल है वो आएगी, टेस्ट बेकार आएगा सब्ज़ी का। इसलिए हमें इसे अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक। हल्की हल्की जो है वो देखिए ब्राउन ब्राउन होने लग गया है प्याज। अब भी हम इसको और चलाएँगे, लगभग 2 से 3 मिनट इसको इसी तरीके से पकाना है, तब भी अच्छे से जो है वो भून कर तैयार हो जाएगा। तो इसे थोड़े ही आपको धीरे धीरे पकाना बहुत ज़रूरी है। मसाला अच्छे से ये देखिए भुनकर रेडी हो गया हमारा प्याज और लहसुन। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच। जी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से भून गया है ये, ऐसे ही भूनना है। अगर कच्चा छोड़ दोगे तो फिर ये अच्छा जो टेस्ट है इसका नहीं आएगा। तो हमने ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी ग्रीन चिल्ली जो हमने डाल ली थी, वो दोनों चीज़ों का पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से चला करके मिक्स कर देना है। अब थोड़ी देर इसको इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक हमने जो चने बॉईल किए थे तब भी ऐड किया था, तो हल्का सा ही नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
अब हम इसको भूनेंगे, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता है मसाला तब तक हम इसी तरीके से चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसी तरीके से चलाते रहेंगे और थोड़ा सा इसको और भूनना है, बस ये ऑयल छोड़ने लग गया है मसाला। मसाला अच्छे से रेडी हो गया, अब इसमें डालेंगे छोले मसाला। 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें छोले मसाला ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे छोले बॉईल किए हुए और साथ में पानी ऐड कर देंगे जो हमने इसमें ऐड किया था और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से चलाकर अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, मर्जी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा कम जितना भी आप करना चाहते हो। और अच्छे से इसको हिला देंगे। अब हम ऊपर से इसको ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। 5 मिनट के करीब हो गया है सब्जी को कुक होते हुए, एक बार हम इसको चेक करते हैं ढक्कन उतार कर। ये देखिए सब्जी अच्छे से कुक हो रही है, अब ये थोड़ी सी पतली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने भून कर रख लिया था, अब वो हम इसमें सारा ऐड कर देते हैं। पनीर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी हमारी लगभग ये देखिए बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर डाल धनिया थोड़ा सा, इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है, एक बार ट्राई ज़रूर दीजिएगा, सब्जी ज़रूर बनाकर देखिएगा एक बार, आपको सभी को पसंद आएगी और आप इसको हर से रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। सब्जी हमारी बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी बन गई है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।